हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, एनीवेज कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या बैंक की भी कर रहे हो, तो आप जब भी पेपर देने जाते हो वहाँ पर कितना अटेम्प्ट करें कितना नहीं, ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो वीडियो देखते रहते हैं कि जैसे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है तो उसमें कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, जीडी में कितना सेफ स्कोर आना चाहिए, और फिर हम लोग उसी हिसाब से वहाँ पर अटेम्प्ट करके आते हैं। यहाँ पर सबसे मेन जो बात है कि एग्ज़ाम्स में आपको तुक्का लगाना है या नहीं। तुक्के लगाने से क्या होता है, क्या उसका एक्यूरेसी नंबर पे इफेक्ट पड़ता है, क्या नॉर्मलाइजेशन में उसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में इसी चीज़ की बात करेंगे कि हमें तुक्के लगाने हैं, कैसे लगाने हैं या नहीं लगाने चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं एसएससी, जैसे सीजीएल, सीपीओ, सब में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें 1/3 होती है निगेटिव मार्किंग, जैसे रेलवे का है उसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है, और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन हैं जहाँ पर 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। तो आपका मार्क्स रॉन्ग क्वेश्चन में चाहे 0.33 डिडक्ट हो या 0.25, वो हमारा रिजल्ट बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए जब कभी भी आप एग्ज़ाम देते हो तो सबसे पहले आपका ये एक मोटिव होना चाहिए कि हमें जितने आंसर्स आते हैं एक्यूरेट उतने ही करने हैं। और सेकेंड, आपको याद रखना होता है कि आप जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप टिक करो ऑप्शंस में या नहीं। टिक करो तो कैसे टिक करो, अगर आपको आता है आंसर, नहीं आता है मतलब क्या चीज़ कैसे टिक करें या ना करें, या फिर जितना हमें सिर्फ आता है उतना ही करें। सपोज मान लो अगर किसी को 100 में से 55-56 क्वेश्चंस एक्यूरेट पता है कि हाँ उसके इतने आंसर्स सही हैं, अगर 56 या 55 उसने किए तो हो सकता है 2-3 आंसर्स रॉन्ग हो, बाकी उसके 51-52 उसके सही होंगे। तो आप जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हो कि नहीं यार अभी तो मेरे बहुत कम अटेम्प्ट है, मुझे भी और 70-80 अटेम्प्ट करने हैं, जैसे कि भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा है उसमें भी बहुत सारे लोग तुक्का लगा रहे हैं, और भी एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जितना वो अटेम्प्ट करते हैं उससे ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे अरे क्वेश्चन नंबर गिनते रहे, हमारे तो नंबर अभी कम है क्वेश्चन के, तो हम लाओ और आंसर्स को टिक करके बढ़ा देते हैं। बट यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि क्या होता है ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में हमारे आंसर्स कभी कभी क्या होता है बहुत रॉन्ग भी हो जाते हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के सही भी निकल जाते हैं। तो सबसे मेन बात है यहाँ पर कि आप सबसे पहले जब कभी भी एग्जाम दो तो जितना आपको आता है सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो, फिर बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप तुक्का लगाने की कोशिश भी कर रहे हो तो आपको तुक्का दो तरीके से लगाना चाहिए, या तो आपको आंसर्स पता हो तो क्वेश्चन को बार बार रीड करो, केयरफुली रीड करो, उसको रिमाइंड करने की कोशिश करो क्या इससे रिलेटेड आपको आता है, आपने सिलेबस जब पढ़ा था तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या थे, क्या ये ऑप्शंस में वो चीज़ें दी गई हैं, क्वेश्चंस में जो चीज़ पूछी जा रही है क्या कौन सा आंसर है जो उससे रिलेट हो पा रहा है, तो इस तरीके से आप आंसर टिक कर सकते हो। दूसरा, और जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो, ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी इजी हो जाता है किसी भी आंसर में ऑप्शन को चूज करना। तो तुक्के आपको अगर आंसर्स नहीं पता हैं तो ऐसे ही हवा में तुक्के मत लगाइए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि तुक्के हवा में लगाने से पता चला आपने 50 क्वेश्चन सही किए थे और आपने तुक्का लगा के 80 कर दिए, तो जो 30 आपने एक्स्ट्रा किए उसमें से पता चला सिर्फ 2-3 सही निकले, 10 ही सही निकले, 15 ही सही निकले, तो उससे आपका मार्क्स डाउन भी हो सकता है। इस वजह से आप तुक्का लगाने की कोशिश करो तो वही आप लगाओ जिसका आपको आइडिया हो कि हाँ ये इसका आंसर हो सकता है। अगर आप आंसर्स अप्रॉक्सीमेटली भी लगाते हो तो लगभग चांसेस होते हैं कि हाँ, तो 50-50 चांसेस हो जाता है कि आंसर आपका सही भी हो सकता है नहीं भी सही हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आपके इतने ज़्यादा मार्क्स बिल्कुल निगेटिव मार्किंग में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने उससे कुछ पढ़ा भी नहीं था और सोच रहे हो मैसेज तुक्का लगाते जाए उसमें टिक करते जाए, तो उससे मार्क्स आपके बढ़ने वाले नहीं हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी किसकी की किस्मत अच्छी होती है कि तुक्का लगाते हैं तो वो आंसर सही हो जाते हैं ज़्यादा, तो वो अलग बात हो गई। बट जनरली जो बात होती है वो आपने सिलेबस कंप्लीट किया, आपने जो चीज़ें पढ़ी उससे रिलेट करके ऑप्शंस को टिक करने की कोशिश किया करो, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा करने के चक्कर में क्या होता है कि तुक्का गलत भी लग जाता है, और इनकेस अगर तुक्का किसी का ज़्यादा सही भी लग जाता है तो वो अलग बात है कि किसी के तुक्के लग जाते हैं। बट मेनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी एक एग्जाम में लगाने की कोशिश करी थी बट मैं फेल हो चुकी थी उस चीज़ में कि मेरे तुक्के ज़्यादा सही नहीं हुए थे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप तुक्का तभी लगाओ जब आपको उसका आइडिया हो उसके आंसर का कि हाँ ये आंसर उससे रिलेट कर पा रहा है तो ये ऑप्शन उसका आंसर हो सकता है, तब आप जय माता दी करके टिक लगा दो। लेकिन अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है, आप बस ABCD ऑप्शन देख रहे हो और ऐसे ही बस टिक कर रहे हो कोई भी, तो वहाँ पे आपके रॉन्ग होने के आंसर्स चांसेस होते हैं और फिर हमारा जो भी एक्यूरेसी होती है वो रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कभी कभी ज़्यादा
क्वेश्चंस करने के चक्कर में जो सही आंसर्स हैं उनमें भी इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में तो आपको पता ही है कि जो सही क्वेश्चंस होते हैं, जो सही हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपको, तुक्का लगाएं या ना लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो आजमा कर देख लेना, लेकिन जो मैं बता रही हूँ मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी है किया है, और कई लोग थे हमारे साथ में जो लोगों ने ऐसा किया था, तो इसलिए मैं उन लोगों से बातचीत की थी। जब हम लोग डिस्कस करते थे तो बहुत सारे पॉइंट्स बाहर आए थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपको तुक्का लगाना नहीं लगाना आप जानो, लेकिन मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है मैं वही बताना चाहती हूँ कि जिससे कि आपका स्कोर अच्छा हो, आप एक ही बार में सिलेक्शन लेने की कोशिश कर सको। तो सबसे पहले आप जो भी एग्जाम की तैयारी करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, मॉक टेस्ट दो, तभी आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। और जब ऐसे ही आप सिलेबस कंप्लीट करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके, आप जब स्कोर अपना खुद ही इतना अच्छा बना लोगे तो आपको वहां तुक्का लगाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 में 100 तो कोई भी एक्यूरेट क्वेश्चंस नहीं करके आता, बट फिर आपको इतना तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके क्वेश्चन ज्यादा रॉन्ग हो। जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपके तुक्के भी सही लगेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन से याद आ जाएगा, या ऑप्शन आप कहीं ना कहीं आपकी वो चीजें जब सिलेबस पढ़ते हो तो वो चीजें आपके माइंड में होती हैं, आपके नोट्स आपके माइंड में होंगे, तो आंसर सही आप चूज कर ले जाओगे। इसलिए आप अपना पढ़ाई पे सबसे ज्यादा फोकस करो, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना, और अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो ऑलरेडी आपके तुक्के वहां पर सही होने के चांसेस हो जाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी जो फर्दर डिटेल्स मैं प्रोवाइड करती हूँ SSC एग्जाम से रिलेटेड, AI एग्जाम से रिलेटेड, या फिर और भी मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर बढ़ाएं, इंग्लिश की स्ट्रेटजी, मैथ्स की स्ट्रेटजी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आगे फर्दर वीडियोज प्रोवाइड करूँ तो आपको मिल जाए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे कि मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।